वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए एक नई रेसिपी शीर खोरमे की। तो चले हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ही इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे रख लिया है फ्राई पैन। इसमें मैं देसी घी थोड़ा सा डालूंगी। देसी घी गरम हो गया है, आप जो सा मर्जी घी ले सकते हैं, डालटा ले लें या जो भी आपको पसंद हो, मक्खन ले लें, दूसरा जो भी आपका दिल करे वो ले लें। अब हम ये सेवियां जो हैं इनको फ्राई कर लेंगे। जब तक इनका गोल्डन सा कलर ना आ जाए प्यारा सा, तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमारी जो सेवियां वो रोस्ट हो गई हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी बर्तन में। सेवियां जो है वो मैंने निकाल ली हैं। अब हम इसी फ्राई पैन में थोड़ा सा घी और डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स जो है वो रोस्ट करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है। हम इसमें बादाम, ड्राई डेट्स जो है वो इसमें हम उन्हें रोस्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे जो पिस्ता और काजू है वो पहले से रोस्टेड है। ये रोस्ट हो गया है, अब हम इसमें तो काजू डाल देंगे और साथ ही पिस्ता, ताकि थोड़ा सा ये भी रोस्ट हो जाए। ये तो पहले से ही रोस्टेड है लेकिन फिर भी मैं इसे डाल रही हूँ ताकि इसके साथ ही ये मिक्स हो जाए। चले जी, ये तो हो गया रोस्ट। तो अब हम अपना अगला स्टेप देख लेते हैं। इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे हम। अब हमने चूल्हे पर एक छोटी सी कढ़ाई रख ली है, इसमें हम दूध डाल देंगे। डेढ़ लीटर इसमें मैंने दूध डाल दिया है और जब तक जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। और जब तक ये गर्म होता है तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। दूध जो है वो बॉयल हो गया, तो अब मैं इसमें सारी चीजें डाल दूंगी जो जो मैंने रोस्ट की थी, वो वाली सारी चीजें इसमें डाल दूंगी। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी सारे इसमें जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक कप मैंने इसमें शुगर डाल दी थी, एक कप इसमें चीनी डाल दी थी मैंने पहले जब दूध गर्म हो गया था तब। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक सेवियां जो हैं वो फूल नहीं जाती। शीर कोरमा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, तो चले हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और एक और बात, मैंने सेवियों के साथ जो इलायचियां थी वो रोस्ट नहीं की थी, मैंने वो बाद में डाल दी थी, आप उन्हें उसके सेवियों के साथ ही रोस्ट कर लीजिएगा। ये लीजिए, हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। बहुत ही मजे का शीर खोरमा बना है, प्लीज आप घर पे इसे जरूर ट्राई किया करें और हमें बताया करें कि कैसा बना है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें।
अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।